Good morning, students. Today we'll discuss question number 3 of exercise 14.1. The question is, the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency. तो मीन आपको रुपीज 18 दिया हुआ है और बाकी आपको निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. तो डेली पॉकेट अलाउंस आपने लिख लिया जो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है. क्लास इंटरवल्स बनी है 11 टू 13, 13 टू 15, सो ऑन 15 टू 17, 17 टू 19 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज नथिंग बट एफ आईज. वो भी टेबल में दिया हुआ है, उसको हमने लिख लिया. Now we find the class mark, यानी कि xi, जो कि होता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल. तो 11 प्लस 13 यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 12. 13 प्लस 15 28 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 14 एंड सिमिलरली आप खुद से ही लिख सकते हैं 16 18 20 22 ऐड करते. जितना क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, क्लास साइज होता है, यानी कि वही डिफरेंस दो एक्साइज के बीच का होता है. अब नेक्स्ट कॉलम है आपका एक्साइ इंटू एफ आई, यानी कि पहला हो गया 7 इंटू 12 दैट इज 84. दूसरा हो गया 6 इंटू 14 दैट इज अगेन 84. Then next is 9 into 16. This is equal to 144. Then next is 13 into 18. 13 into 18. This gives you 234. And f into 20 तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 20f, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज 5 इंटू 22, दिस विल गिव यू 110. एंड लास्ट वन इज 4 इंटू 24 एंड दिस गिव्स यू 96. इन सबको ऐड किया आपने, इन सबको ऐड किया. व्हेन यू ऐड देम व्हाट डू यू गेट? 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96 गिव्स यू 752. और ये 20f तो ऐड नहीं हो सकता, इसको हम अलग से ऐसे ही लिख लेंगे. इसी तरह यहां पर भी आप ऐड करेंगे पूरी फ्रीक्वेंसीज को. 7 प्लस 6 यानी कि 13 प्लस 9 प्लस 13 प्लस f प्लस 5 प्लस 4, दिस गिव्स यू 44 प्लस f. दिस इज समेशन एफ आई एंड दिस इज समेशन एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई कैसे भी लिख सकते हैं. अब फॉर्मूला क्या है आपका? हमारा डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड इज, इसे ऊपर कर लेते हैं हम, मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, अपॉन समेशन एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n. मीन आपको 18 दिया हुआ है और एक्स आई एफ आई आया आपके पास 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f. क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f. मल्टीप्लाई करिए 18 इंटू 44 इज इक्वल टू 792 प्लस 18f. 18 इंटू 44 इज 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f.
नेक्स्ट स्टेप में f वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं और 752 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 20f माइनस 18f, ये मिला हमें 040. 792 में से 752 गया, दिस इज 40, एंड 20f में से 18f गया, इट गिव्स यू 2f. देयरफॉर 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू f, और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 20. तो ये हो गया हमारा आंसर जो हमें निकालना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. आई होप ये आपको सही समझ में आएगा. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अपने तरीके का एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में. बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करने हैं. स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में अभी है नहीं. आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी.